ये जो बजट है, बजट महंगाई पैदा करने वाली बजट है। फिर महंगाई का जहाँ तक सवाल है, जितनी भी बात हर चीज़ को कोरोना का मामला कह करके ऐसा पेंट किए हैं, या लगता है कि मांगे हैं कि हमारी गलती हुई है या कोई कारण था जिससे हम विकास नहीं कर सके, और मान के कोरोना को लेकर चलते हैं, तो कोरोना के चलते हर अपनी कमी को कहां तक छिपाएंगे। कल 1 फरवरी था और 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया गया। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आई। बिहार की बात करें तो बिहार में जदयू में ही दो फाड़ होते हुए दिखा। एक तरफ जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जदयू के, उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, कटाक्ष किया इस बजट पे, तो दूसरी तरफ राज्य के मुखिया नीतीश कुमार ने इस बजट की सराहना की है। बात करें हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि ये जो बजट आया है ये पूंजीपतियों का बजट है, गरीब दलित शोषित समाज जो है उसके लिए कुछ नहीं दिया गया, ना तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए दिया गया, यानी जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उसके लिए कुछ दिया गया, ना मजदूरों के लिए कुछ दिया गया। ये पूरा वीडियो देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। सर आज बजट पेश हुआ, क्या कहेंगे? देखिए आज जो बजट पेश हुआ है, तो वैसे तो वित्त मंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत साहस करके इस तरह का बजट पेश किया है, लेकिन इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि किसानों की भला हो या सर्विस होल्डर को भला हो, ये सब कुछ बात नहीं। जैसे MSP के बारे में कहा गया कि उनके खाता में जाएगा, तो खाता में जाएगा या नहीं जाएगा, जैसे और सब चीज़ का हो रहा है कि खाता में जा रहा है लेकिन जा ही नहीं रहा है, तो कहने का मतलब वो लॉलीपॉप है। फिर सबसे बड़ी बात और अपेक्षाएँ ये थी कि इनकम टैक्स के ये लिमिट को बढ़ाएंगे, आज कम से कम 5 लाख तक या 8 लाख जो भी है ऐसा बढ़ता तो लोगों को फ़ायदा होता, खास करके सर्विस होल्डर वालों को लेकर के, वो भी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि असंगठित क्षेत्र के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। असंगठित क्षेत्र में हमारे किसान मजदूर हैं, मजदूर किसान हैं, ये सब काफ़ी संख्या में हैं, और साथ साथ इनके साथ ये भी है कि जो हमारे नेशनल इनकम है उसका अच्छा भाग वहाँ से मिलता है और लोगों को रोज़गार भी मिलने की बात होती है, तो उस सेक्टर को इन्होंने एक तरह से टच नहीं किया है। तो सबसे बड़ी बात तो यही हम लोग मानते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं गया। और फिर महंगाई का जहाँ तक सवाल है, जितनी भी बात हर चीज़ को कोरोना का मामला कह करके ऐसा पेंट किए हैं, या लगता है कि मांगे हैं कि हमारी गलती हुई है या कोई कारण था जिससे हम विकास नहीं कर सके, और मान के कोरोना को लेकर चलते हैं, तो कोरोना के चलते हर अपनी कमी को कहां तक छिपाएंगे। इसलिए हम तो समझते हैं कि ये जो बजट है, बजट महंगाई पैदा करने वाली बजट है, और इससे किसानों को मजदूरों को कोई फायदा होने की जरूरत नहीं है, ये मैं मानता हूँ। तो भले ही बिहार में NDA की सरकार है, 4 घटक दल उसमें जुड़े हुए हैं, जिसके एक हिस्सा जीतन राम मांझी भी हैं, लेकिन लगातार रह रहकर जीतन राम मांझी भाजपा पर कटाक्ष करते रहते हैं, और कल जब से बजट आया है तब से राहुल गांधी से लेकर और तमाम नेता देश भर में और खासकर बिहार में इस पर काफी तीखी बहस होते हुए भी दिखी है। तो ये बजट कितना कारगर है, आपका क्या सुझाव है हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।